बायो ए आई हब और बायो फाउंडरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इससे हम क्या होगा कि जैसे कोई भी आप ड्रग बनाते हैं तो पहले स्टेज पे होता है कि आप एनिमल पे टेस्ट करते हैं एनिमल पे एक साल टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं फिर धीरे धीरे उस ड्रग का या उस वैक्सीन का लो इंटेंसिटी आप लोगों पर कुछ लोगों को आप हायर करते हैं और उस पर चेक करते हैं ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है तीन तीन साल चार चार साल चलता है क्योंकि जो साइड इफेक्ट किसी किसी चीज का होता है कोई कोई ड्रग होता है आपको तुरंत लगेगा कि सब कुछ सही हो गया दो साल बाद उसका इम्पैक्ट आएगा जैसे कि अभी वैक्सीन हम दे रहे थे कोविड का अभी क्लॉटिंग हो रही है क्योंकि हमने सही तरीके से ट्याल नहीं किया अब दिक्कत ये होती है ये ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी लोगों पर ही करना था लेकिन अब ये है कि इस प्रोसेस में जब आप एनिमल पे करते हैं तो इतना ज्यादा आप एनिमल खरीदिए फिर उनके लिए आप पूरा जगह बनाइए फिर उस माहौल में आप पूरी चीजों को मेंटेन कीजिए तो बहुत करोड़ों में खर्च आ जाते थे और कई बार होता था एनिमल पे सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो आदमी पे जाके इम्पेक्टफुल नहीं है वो पूरे पैसे डूब जाते थे तो अब ये हो गया कि चिप पे हम पहले ही आदमी पे कितना इम्पेक्ट करेगा उसको ही जान ले रहे हैं तो ओवरऑल जो पैसे लगते थे वो घटेंगे ऑर्गन ऑन द चिप दूसरी चीज ये है कि जो ड्यूरेशन था पहले जो मेडिसिन या ड्रग बनाने में दस दस साल लगते थे पांच पांच साल लगते थे मिनिमम तीन साल तो लगता ही था अब हम घटा के छह महीने में बना लेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि टीवी का जो कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव कर रहे हैं अभी हम बी बी आई ओ एल एम ये वाला लाए थे ना तो बी ए पी एल एम ठीक है चार हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ा था ऐसे में ओवरऑल ये नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है पीरियड है वो रिड्यूस कर देगा सेकेंड जो हमारा लागत था जो खर्च थे वो कम कर देगा तो ओवरऑल आम जनता पे भी कम ही आएगा जब मैं कंपनी हूँ जब मैं मेडिसिन को डेवलप करने में दस करोड़ लगा रहा हूँ दस करोड़ की जगह पे एक करोड़ लगा रहा हूँ तो वो जो मेडिसिन में वो सब ऐड करूंगा ना जब मेडिसिन में बना के बेचूंगा तो वो कितना प्राइस होगा वो सब कुछ खर्च इनिशियल स्टेज का भी एड होता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वो भी डिक्रीज होगा क्लियर तो ये आप लोग लिख लीजिए ऑर्गन ऑन द चिप वट इज दिस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वी आर मेकिंग द ट्रायल ऑन द यहां पे लिखा है कहीं पे इसमें है वो डिफाइन किया है एग्जेक्ट ओवरऑल इसका मतलब यही हुआ कि बाय द अच्छा यहाँ पे ऑर्गन ऑन द चिप डिवाइस डिजाइन टू रिक्रिएट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे है कि आपका किडनी चिप्स के थ्रू बना लेंगे आपका लंग बना लेंगे आपका जो डिफरेंट uh, पार्ट्स है जो भी है दे विल दैट इवन कि आपका एक ही चिप में आपके चार पांच बॉडी के पार्ट वो बना सकते हैं क्लियर हो रही है ना ओवर ऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना मानिए आपका कोई ड्रग है जो लंग से रिलेटेड है तो वो सिर्फ ऑर्गन लंग पे टेस्ट करके बता देंगे कि लंग पे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है जैसे होता है ना डोज का भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि, कि कितना मिलीग्राम लगाना है कितने दो टाइप का है तीन टाइप का है ऑल दैट थिंग इज एक्सपेरिमेंटेड